नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आरआरबी के द्वारा जो पैरामेडिकल का शॉर्ट नोटिस था, अब जो है पैरामेडिकल स्टाफ का आरआरबी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके अंदर हम सारी डिटेल जो है वो डीपली जानने वाले हैं, क्या कुछ इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सब रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के यहाँ पे वीडियो को जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है, थोड़ा सा इसको अब ठीक है। तो ये देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है CN नंबर 4/2024। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। तो ठीक है, ओपनिंग डेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। 17/8/2024 इसकी ओपनिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट की यहाँ पे बात करें तो 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, फॉर्म में गलती मत कीजिएगा। अगर गलती कर देंगे तो मॉडिफिकेशन के लिए भी विंडो आपकी ओपन मिलेगी। 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में जो आपकी मॉडिफिकेशन की विंडो है वो ओपन कर दी जाएगी। पहली बात है कि आप गलती कीजिए मत। पोस्ट की बात कर लेते हैं, डाइटिशियन की पोस्ट है, लेवल 7 की ये नौकरी यहाँ पे रहती है। इनिशियल पे की बात करें तो 44,900 इसके अंदर जो है वो सैलरी मिलती है, और टोटल वैकेंसी इन आल आरआरबी के अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। एज की बात करें तो 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, 18 से 36 साल आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की यहाँ पे बात करें तो पे लेवल यहाँ पे भी 7 है, सैलरी यहाँ पे सेम रखी गई है। 20 से 43 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 713 वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो पे लेवल यहाँ पे 7 नहीं है, 6 है। इनिशियल बेसिक पे की बात करें तो 35,400 है, और एज की बात करें तो 21 से 33 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 है। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट की बात करें तो अब यहाँ पे देख लेना, पे लेवल 6 है, इनिशियल पे 35,400 है, 18 से 36 साल एज है, टोटल वैकेंसी 7 है। डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करें तो 6 पे लेवल है, और सैलरी यहाँ पे 35,400 है, 18 से 36 साल एज है, 3 यहाँ पे वैकेंसी है। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो सेम ही यहाँ पे लेवल है, सैलरी भी यहाँ पे सेम है, और एज यहाँ पे देख लेना 20 से 36 साल है, टोटल वैकेंसी 20 है। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की बात, थर्ड की बात करें तो पे लेवल 6 है, सेम यहाँ पे सैलरी है, और एज 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी 126 है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सेम पे लेवल है, सब कुछ सेम रखा गया है, एज देख लेना 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 27 रखी गई है। उसके बाद काफ़ी सारी वैकेंसी है, एक बार देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। प्यूरोफिशनिस्ट की बात करें तो सेम रखा गया है पे लेवल और सैलरी यहाँ पे देख लेना, एज की बात करें तो 21 से 43 के बीच में होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी 2 है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ सेम रखा गया है, एज की बात करें तो 18 से 36 रखा गया है, टोटल वैकेंसी 20 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, एज 18 से 36 है, टोटल वैकेंसी 2 है। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो सब कुछ सेम है, एज 18 से 36 है, और टोटल 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की बात करें तो एंट्री ग्रेड की यहाँ पे देख लेना, पे लेवल 5 है, और सैलरी 29,200 है, एज 20 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी 246 मांगी गई है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो पे लेवल 5 है, बेसिक सैलरी यहाँ पे दी गई है, एज की बात करें तो 1936 साल होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसी 64 है। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो सब कुछ सेम है, एज देख लेना 18 से 36 है, टोटल वैकेंसी 1 ही है। कार्डिक टेक्नीशियन की बात करें तो पे लेवल यहाँ पे 4 है, टोटल इनिशियल बेसिक पे 25,500 है, एज 18 से 36 है, टोटल वैकेंसी 4 है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करें तो पे लेवल 4 है, सैलरी देख लेना, एज 18 से 36 है, टोटल वैकेंसी 4 है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो सब कुछ सेम है, एज 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी 13 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की बात करें तो पे लेवल 3 है, इनिशियल बेसिक पे 21,700 है, एज की बात करें तो 18 से 36 है, टोटल वैकेंसी 94 है। ऐसे ही फील्ड वर्कर का भी यहाँ पे दिया गया है, पे लेवल 2 है, सैलरी बेसिक पे 19,900 है, और एज 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी 19 है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो टोटल 1376 पदों पर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी का पैरामेडिकल का, अब ये जारी कर दिया गया है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे अपर एज लिमिट में कहा गया, इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एज बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू COVID-19। तो सभी को आरआरबी, वैसे सभी जितनी भी पोस्ट अभी तक निकाली गई सब में 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो सबको दिया गया है, इसके अंदर भी दिया गया है। बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्ट जो जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 1/1/2025 से जो आपकी एज है वो यहाँ पे काउंट
की जाएगी। उसके बाद आफ्टर यहाँ पे एक आ गया, आफ्टर 26 सितंबर 2024 आरआरबी शैल नोट एंटर डी एंड मॉडिफिकेशन द इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो आपका मॉडिफिकेशन लिंक है 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन कर दिया जाएगा। तो आप अपना जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देख लेना शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कैसे किए जाएंगे फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आरआरबी वाइज द रेट ऑफ 1:1 ऑफ द वैकेंसी ऑफ दैट आरआरबी इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट्स इन सीबीएटी। तो जो आपका सीबीटी 1 होगा उसी लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपका डीवी और मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे मल्टीपल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट की बात की गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है। बेसिक सी चीज़ें दी गई है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने की नीड नहीं है, जो जो मेन चीज़ है वही मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वैकेंसी की बात करें तो प्लीज़ नोट वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज तो घटाई बढ़ाई जा सकती है। फॉर्चुनेटली ये बढ़ाई जाएंगी, घटाई यहाँ पे नहीं जाएंगी। विजन स्टैंडर्ड और मेडिकल वाले ये देख लेना, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है ये जरूर से ज़रूर देख लेना। ये आरआरबी वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में फंसा देते हैं। नेशनल सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट मैं बता चुका हूँ, एज लिमिट की 1/1/2025 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पे अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट दी गई है, तो यहाँ पे एज ग्रुप देख लेना। जो भी 18 से 33 साल का जो ग्रुप है उसके लिए जो लोअर एज लिमिट है यहाँ पे रखी गई है 1/1/2007 लोअर एज लिमिट रखी गई है, और अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो जनरल वालों के लिए 2/1/1992 है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 2/1/1989 है, और एससी एसटी के लिए 2/1/1987 है। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आप काफ़ी समझदार है। ऊपर एज लिमिट की जो बात की गई थी, मैं जब वैकेंसी पढ़ रहा था वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी वैकेंसियों में डिफरेंट एज लिखी हुई थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। लोअर एज लिमिट यानी कि जो कम से कम है 1/1/2007 से कम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है जर्नल वालों के लिए 2/1/1992 से कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 2/1/1989 से कम नहीं होनी चाहिए, और एससी एसटी के लिए 2/1/1987 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख लेना, इस हिसाब से ये सभी के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे एज रिलैक्सेशन 3 साल सभी का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल है, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल दिया गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और दिया गया है ये फीस की पेमेंट बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 के लिए यहाँ पे आउट ऑफ दिस फीस रेट 500 अमाउंट फॉर रेट शैल बी रिफंडेड ड्यूली। तो ये 500 रुपये स्टार्टिंग में आपसे लिए जाएंगे, जो 400 रुपये जो है वो सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही आप लिखित परीक्षा दे के आएंगे तो जो आपकी फीस है 400 रुपये वो रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे मोड ऑफ फी पेमेंट्स, ये ऑनलाइन आपको फीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी आप करते हैं रुपए पे पेटीएम जो भी यूज़ करते हैं उससे आप ऑनलाइन फीस अपनी कटवा सकते हैं। उसके बाद जो रिफ़ंड है वो आपको उसी ऑनलाइन पेमेंट में आएगा, अकाउंट में आएगा, जिससे आप स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन भरते समय जिस अकाउंट से आप फीस कटवाएंगे उसी अकाउंट में आपकी जो फीस है वो आ जाएगी। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जरूरी है। ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो एक ही एप्लीकेशन आपको भरना है हर कैंडिडेट को, और देर शैल बी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आरआरबी रिजर्व राइट टू कंडक्ट एडिशनल सीबीटी कंसीडर नेसेसरी फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट में बी डिमांड आरबीआर। उसके बाद कहा गया डेट टाइम्स वेन्यू सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फिक्स्ड, आरआरबी विल इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट ड्यू टू कोर्स रिक्वेस्ट, ये बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी 90 मिनट। तो सिंगल पेपर आपका होने वाला है सीबीटी, इसके अंदर 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे एंड 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी। तो ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर शैल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, ओनली 1 of these 4 options विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाएंगे, ये देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सीबीटी 1 के अंदर। प्रोफेशनल एबिलिटी से आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि
70 मार्क्स के रहने वाले हैं। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उससे आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है उससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अर्थमेटिक इंटेलिजेंस रीजनिंग मैथ और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद CBT 1 के बाद आपके शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे हाउ टू अप्लाई, कैसा करना है मैं बता चुका हूँ। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये सभी RRB की लिस्ट दी गई है, जो भी आप RRB चूज करना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया गया है, आप देख लेना इसको, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ नीचे। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी गई है, ये देख लेना आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। सारी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी एक एक वन बाय वन, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे काफ़ी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो स्कूल ऑफ जर्नल नर्सिंग से आपके पास 3 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट बाई रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ के अंदर, या फिर आपके पास होना चाहिए अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग की हो आपने तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ये डिटेल से पढ़ लेना, काफ़ी सारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि कार्डियक टेक्नीशियन की बात करें तो हायर सेकेंडरी 10+2 पास होने चाहिए साइंस के अंदर, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी के अंदर होना चाहिए। लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ ECG होटलर एंड TMT कैंडिडेट ट्रेन इन इको कार्डियोलॉजी इज प्रेफरेबल। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ये काफ़ी सारी दी गई है। जैसे कि फील्ड वर्कर की बात करें तो यहाँ पे देख लेना 2+ पास आप होने चाहिए इन साइंस के अंदर, विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं और कौन सा है, तो ये देख लेते हैं प्योरोफिशनिस्ट की बात करें तो BSc आपके पास होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन प्योरोफिश टेक्नोलॉजी, आपके पास BSc पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए परफ्यूशन का टेक्नोलॉजी का, या फिर आपके पास BSc की हो एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे देख ले तो यहाँ पे देख लेना रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 पास आप होने चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास किसके अंदर, इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर या फिर रेडियोग्निस टेक्नोलॉजी के अंदर, और 2 ईयर कोर्स, तो 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए। ये देख लेना आप आराम से बैठ के, काफ़ी सारी ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, सारी बैठ के पढ़ लेना। इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। RRB में भी बताई गई है किस RRB के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, ग्रैंड टोटल मैं आपको बता सका हूँ 1375 या 1376 वैकेंसी आई है। यहाँ पे भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा 1376 वैकेंसी आई है, तो ये देख लेना टोटल वैकेंसी, ग्रैंड टोटल यहाँ पे बात की गई है, ग्रैंड टोटल कहाँ पे गई 1376 वैकेंसी टोटल आई है, और जर्नल की बात करें तो 686 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच एंड थेरेपिस्ट की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो ये पोस्ट वाइज सिलेबस सारा दिया गया है, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है RRB पैरामेडिकल स्टाफ का, और मैं बता चुका हूँ इसकी लास्ट डेट और फर्स्ट डेट एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लेना 17 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 16 सितंबर रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप तो करेंगे, इसकी तैयारी में लग जाएगा अगर आप पैरामेडिकल के लिए जाना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी और पैकेज इसके अंदर मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी मिलती है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन इन कमेंट के अंदर, और आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।